क्लास में क्या कर रहा था मैं जानता हूँ। बाजू के बाजू, बाजू के बाजू, मतलब बाजू के बाजू। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है। हाउ आर यू एवरीवन, दिस इज विशाल द वे। तो अभी सुबह के लगभग 10 बजे हुए हैं और अब मैं और जिग्नेश दोनों के दोनों जा रहे हैं पारुल यूनिवर्सिटी, जी हाँ, हमारे कॉलेज की तरफ, क्योंकि हमें कॉलेज का दो काम जो है वो करना है। दो काम हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, वो काम को करने के लिए जल्दी जाना है, क्योंकि आज है फ्राइडे, इसके बाद सैटरडे आ जाएगा और सैटरडे के बाद संडे, तो दो दिन भाई साहब काम नहीं होने वाला, आज ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए अभी तक मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हुआ है, रात को मैं जल्दी सो गया था एक्चुअली। अभी मुझे जल्दी से जल्दी यूनिवर्सिटी पहुँचना है, इसीलिए अभी तक मैंने एडिट नहीं किया। कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द वहां से आ जाऊं और तुरंत व्लॉग एडिट करके आप लोगों तक पहुंचा दूं। वैसे जब तक आप लोग वीडियो को देख रहे होंगे तब तक तो आ चुका होगा, तो जाके उस व्लॉग को भी देख लेना। शैली जी, मैंने, जिग्नेश ने और कार्तिक ने, हम चारों ने बहुत सारी मस्तियां की थी, देख लेना उसको। देखिए तो जिग्नेश भाई आ चुके हैं, बाहर निकल चुके हैं और अब ये निकालने वाला है अपनी जिनी को। जिनी जैसे ही निकलेगी वैसे ही अपन जाएंगे कॉलेज, क्योंकि आज जिग्नेश भाई को भी बहुत ही अर्जेंट काम है, तो हमें जल्दी 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 सब कुछ करना है। चलो 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 जल्दी, हाँ ये मेरे को दे दो। ये अभी गाड़ी निकलेगी और हम यहाँ से निकलेंगे कॉलेज के लिए। चलिए एडमिन डिपार्टमेंट में गए थे, जहाँ पर ये सब फॉर्म फिलअप होता है ना, वहाँ पर गए थे, लेकिन उनका अब ये कहना है अभी जो है वो फॉर्म नहीं लिया जा सकता है, बिकॉज डेट कल की थी और डेट जो है वो फिनिश हो चुकी है। क्यों जिग्नेश भाई? हाँ भाई, कैसा लग रहा है आप? मेरा तो फॉर्म सबमिट हो चुका है। इसका फॉर्म सबमिट हो चुका है, एक्चुअली मैं ही बचा हुआ था, मेरा फॉर्म सबमिट होना बचा हुआ था। और आप सभी लोगों को, कार्तिक का भी नहीं हुआ, कार्तिक का भी नहीं हुआ। हम लोग क्या है कि हम लोग दो दिन और आए थे यहाँ पर, आप सभी लोगों को पता है मैंने ब्लॉग भी शूट किया था, यहाँ पर आए थे फॉर्म को सबमिट करने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत ही ज्यादा भीड़ थी यार, बहुत बच्चे आते थे फॉर्म को सबमिट करने के लिए, तो भीड़ बहुत ही ज्यादा थी। फिलहाल तो अभी नहीं हो पाएगा, तो अभी अपन अपनी फैकल्टी चलते हैं और जो दूसरा काम है उस काम को करते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये दोनों लड़कों को देख रहे हो क्लास बंक करके यहाँ पर बातें कर रहे हैं, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये जयेश और ये धीरज, ये क्या कर रहा है जयेश? हैं, शोभा देता है, अच्छे विद्यार्थियों को शोभा देता है, इनकी साजिश, इन्होंने जिग्नेश बिगाड़ रहा है तो बच्चों को, ऐसा करने का। उंगली किस तरफ है भाई? पूरी की पूरी चार उंगली तेरी तरफ है, एक ही उंगली मेरी तरफ है, पूरी की पूरी उंगली तेरी तरफ है। अभी देखो, अभी यहाँ पर बारिश हो रही है और इसीलिए लोग क्लास से बाहर आ गए हैं और हमसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, सीनियर्स आए तो बात तो कर ही सकते हैं। अबे क्लास रूम पे छत नहीं है क्या? क्लास रूम पे छत नहीं है क्या? मेरे को इसका एक्सप्रेशन नोट करने के, बोलने के लिए बोलता हूँ तब बोलना नहीं है, जब नहीं बोलने के लिए बोलता हूँ तब दुनिया भर की बातें करनी है। ये है अपने द जेंटलमैन राइडर, मतलब हेलमेट हेलमेट लेके खूब मजे में। और ये तू क्या है कर रहे हैं? तू क्या है, कितना पढ़ाई की? मैं देख रहा हूँ तेरे को, तू क्या कर रहा था क्लास में? क्लास में क्या कर रहा था मैं जानता हूँ। बाजू के बाजू, बाजू के बाजू, मतलब बाजू के बाजू, बहुत कुछ चल रहा था। हाँ, और आपके बाजू के बाजू, इनके पीछे के बाजू, तेरे नीचे, तेरे आगे के बाजू, नहीं नहीं, वो उनसे तो मिल लिया, वो तो मिल लिया। राजा जी, अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो? तो चलो हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी बातें कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ अर्जेंट काम था। हाँ तो आंटी, आंटी आंटी व्लॉग्स देखती है, आंटी देखो 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 देखो, द जेंटलमैन राइडर को देखो। देखो यार, पता तो था कि बारिश होने वाली है, लेकिन इतना नहीं पता था कि इतनी ज्यादा बारिश होगी। तो यहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही है, सबके सब लगे पड़े हैं कहीं ना कहीं कोना ढूंढने में, ताकि वो लोग सेफ रह सके बारिश के पानी से। लेकिन फिलहाल हम तो बाहर निकल के आप सभी लोगों के लिए शूट कर रहे हैं। जिग्नेश भाई यहाँ पर चाय पकड़ के खड़े हुए हैं और अपन अभी चाय पी, अरे अरे अरे, तू मेरे बिना चाय पी जाता है हर बार, मेरे को तो पीने दे, मेरे को आने ही नहीं था, पहले ही चाय पी लेता है। ओहो, हेलमेट को भी पिला दिया चाय, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अभी यहाँ से हम लोग चाय पी रहे थे टी पोस्ट से, हालांकि यार 3 साल यहाँ पर चाय पिया है और अब लास्ट टाइम चाय पी रहे हैं। और फिलहाल तो वो कैंटीन, कैंटीन में जाने का मन था, लेकिन अभी भीड़ को देखते हुए अपन बिल्कुल भी नहीं जाएंगे कैंटीन की तरफ। देख सकते हो कितना ज़्यादा भीग गए हम लोग, ये बैग को ऐसा आगे लेके घूमना पड़ रहा है, क्योंकि इस बैग के अंदर हमारी डिग्री है, तो डिग्री को तो गीला होने नहीं देंगे। और ये देखो हाथ कांप रहे हैं, वो अलग, हालांकि सुबह गर्मी हो रही थी, क्यों जिग्नेश? सुबह गर्मी हो रही थी और अभी दोनों के दोनों भीग गए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रेन। और आज तो यात्रा,
आज तो रथ यात्रा भी है। जी हाँ, वाह क्या बात है, ट्रैफिक बहुत है आज, ट्रैफिक बहुत है बरोड़ा में। आज कृष्ण भगवान का सेलिब्रेशन है ना, ऑब्वियसली तो ट्रैफिक तो होना ही है। आज जब पापा का फोन आया था ना, पापा मम्मी का, तो वो भी बता रहे थे कि आज रथ यात्रा है तो घर में सेलिब्रेशन है। हालांकि मैं उस सेलिब्रेशन का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा क्योंकि अभी मैं घर पे नहीं हूँ, यहाँ पे हूँ ना इसलिए। लेकिन हाँ, मैं कोशिश करूंगा कि अगर दीदी मेरे को क्लिप्स भेज देती है, क्योंकि हमारे घर में ना बहुत अच्छा खासा सेलिब्रेशन होता है, तो अगर सेलिब्रेशन की क्लिप्स दीदी भेजती है तो मैं आप सभी लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आके जुड़ जाओ, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आराम से जुड़े हो, बहुत मजे करेंगे। ठीक है, चलो। ओहो भाई साहब, ये हमारा प्यारा सा फूड कोर्ट, न्यू फूड कोर्ट। हालांकि यहाँ पर हम लोग मस्तियाँ करते थे, खाने के लिए तो बहुत कम आते थे, लेकिन यहाँ पर मस्तियाँ करते थे, हमारा प्यारा सा फूड कोर्ट। इस फूड कोर्ट को मैं बड़ा याद करने वाला हूँ, और इससे ज़्यादा यहाँ पर तो हम लोग मस्तियाँ करते थे खैर, लेकिन उससे ज़्यादा जो उस वहाँ का जो फूड कोर्ट है ना, उसको मैं ज़्यादा याद करूँगा। एक्चुअली ये जिग्नेश भाई के गाँव से लाया हूँ मैं ये सैंडल्स को, क्योंकि वो जो है ना, वो अरे कितनी तकलीफ हो रही है तेरे को, देख रहे हो कितनी ज़्यादा तकलीफ हो रही है बेचारा, एकदम धीरे 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 चल रहा है, क्योंकि बारिश में वो चप्पल बहुत फिसलते हैं, इसलिए सबको बहुत तकलीफ होती है। फिलहाल तो अपन यहाँ से चलते हैं, यहाँ से सब बाहर जाने का अपन को, और बाहर से फिर बाइक में बैठ के, जिनी में बैठ के अपन निकलेंगे घर के लिए। Hey guys, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा बारिश हो रही है वडोदरा के अंदर, काफी ज्यादा बारिश है भाई साहब। हम लोग कॉलेज से आ गए थे, उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रहा था। एडिट किया, वीडियो अपलोड किया, आराम किया, उसके बाद आ गया बुआ के घर पे। अभी बुआ के घर से जा रहा हूँ अपने दीदी के घर पे, बहुत तेज बारिश हो रही थी इसलिए रुका हुआ था, अभी बारिश कम हो गई है तो अभी अपन निकलते हैं। और बाल को थोड़ा सा मैंने अलग स्टाइल में कर दिया है अभी, कि बारिश के समय में क्या है कि स्टाइल रहता नहीं है, वो कोई भी आप स्टाइल करो बारिश के टाइम में बाल दब जाते हैं। तो देख सकते हैं वडोदरा का हाल, तो कुछ ऐसा हाल है वडोदरा में भाई साहब। आज तो सुबह से ही लगे पड़े हैं यार, पारुल में थे ना तो भी फंस गए थे हम लोग बारिश में, और आज सुबह से ही बारिश हो रही है यहाँ पे। पता नहीं बाकी राज्यों का क्या हाल है, लेकिन गुजरात में तो यार बारिश हो रही है, और वडोदरा अहमदाबाद में तो, अहमदाबाद का पता नहीं लेकिन वडोदरा में तो खासकर बारिश का माहौल तो ज़्यादा ही है भाई।